Yes, so we are starting with carbohydrates, the first biomolecule. Second, we will do protein and then nucleic acids. Biomolecules are the simplest molecules, constitute living organisms. In all living organisms, you will have carbohydrates. अब होते क्या है ये कार्बोहाइड्रेट्स? अलग अलग टाइम पे अलग अलग डेफिनेशंस दी हैं इसकी. सबसे पहले इसको बोलते हैं हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन. कार्बोहाइड्रेट्स आर नोन एज हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन. इसको ऐसे लिखते हैं सी एन एच टू ओ सी एक्स एच टू ओ वाई. इस जनरल फॉर्मूला में ये सारे कार्बोहाइड्रेट्स फिट होते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन. सो फर्स्ट डेफिनेशन गिवन फॉर दिस कार्बोहाइड्रेट्स दैट इज हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन. जनरल फॉर्मूला सी एक्स एच टू ओ वाई. एग्जाम्पल्स हैं इसके जैसे ग्लूकोज फ्रुक्टोज है ना. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज? ग्लूकोज इज C6H12O6. इस फॉर्मूला फिट हो जाता है C6H2O6. मतलब ग्लूकोज इज हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, हेंस इट इज कार्बोहाइड्रेट. फिर अपन सेकेंड एग्जाम्पल लिखे हैं सुक्रोज या माल्टोज C12H22O11. फॉर्मूला क्या होगा C12H2O11. फिर एक कार्बोहाइड्रेट है स्टार्च, उसकी फॉर्मूला होती है C6H10O5 होलेन पॉलीमराइड. और इसकी फॉर्मूला हम कैसे लिखेंगे C6N H2O2 5. तो सारे जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो सब इस फॉर्मूला में फिट होते हैं CXH2O Y, इसीलिए इनको क्या बोला हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन. तो फर्स्ट डेफिनेशन गिवन फॉर कार्बोहाइड्रेट्स आर दे आर नोन एज हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन बिकॉज ऑल द कार्बोहाइड्रेट्स फिट इन द फॉर्मूला CXH2O Y. बट देर वर फ्यू एक्सेप्शंस, जैसे एसिटिक एसिड. एसिटिक एसिड में फॉर्मूला होता है CH3COOH और इसमें C2H2O2, ये भी इस फॉर्मूला में फिट हो रहा है CnH2O Y, लेकिन एसिटिक एसिड कार्बोहाइड्रेट नहीं है, फॉर्मल डिहाइड. फॉर्मूला होता है HCHO और ये भी इस फॉर्मूला में फिट हो रहा है C1H2O1 और ये भी कार्बोहाइड्रेट नहीं है. तो ये तो डेफिनेशन तो गलत हो गई. इन्होंने तो बोला था कि वो सारे कंपाउंड्स जो CXH2O Y वाले फॉर्मूला में फिट होते हैं वो सब कार्बोहाइड्रेट्स हैं. काफी हद तक सही भी था. बट एसिटिक एसिड एंड फॉर्मल्डिहाइड दे हैव फॉर्मूला बट दे फिट इन द फॉर्मूला बट दे आर नॉट कार्बोहाइड्रेट. और उसके अगेंस्ट एक कार्बोहाइड्रेट है जिसका नाम है रैमनोज. रैमनोज एमसीक्यू में आ सकता है. ये कार्बोहाइड्रेट है लेकिन इसकी फॉर्मूला इसमें फिट नहीं होती. उसकी फॉर्मूला है C6H12O5. C6H12O5 ये कार्बोहाइड्रेट है लेकिन इस फॉर्मूला में फिट नहीं हो रहा है. तो ये तो परफेक्ट डेफिनेशन नहीं हुआ कि कार्बोहाइड्रेट्स वो होते हैं जो इस फॉर्मूला में फिट हो जाते हैं, जिनकी फॉर्मूला CXH2O Y जैसी हो उसको हम कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे. तो ऐसा तो नहीं है. क्या एक्सेप्शंस है? एक रैमनोज है जिसकी फॉर्मूला C6H12O5 है, वो कार्बोहाइड्रेट है लेकिन इस CXH2O Y में फिट नहीं हो रहा. और कुछ कंपाउंड्स हैं एसिटिक एसिड हुआ फॉर्मल्डिहाइड हुआ, ये फॉर्मूला में फिट हो रहे हैं लेकिन कार्बोहाइड्रेट नहीं है. तो दूसरी कोई डेफिनेशन बनानी पड़ेगी. कंप्लीट इसमें फिट नहीं हो रहा है. तो सेकेंड इन लोगों ने जो डेफिनेशन दिया कार्बोहाइड्रेट का वो है कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स. व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स? दे आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड्स
polyhydroxy ketones, which gives these units on hydrolysis. So second definition of carbohydrate given as, ये गलत है ऐसा नहीं, लेकिन सारे कंपाउंड्स इसमें फिट नहीं होते, इसलिए एक और डेफिनेशन दिया. व्हाट इज दैट? कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स या ऐसे कंपाउंड्स जिनको अगर अपन हाइड्रोलिसिस करें तो पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन बनाएं. ऐसे सारे कंपाउंड्स को हम क्या बोलेंगे? कार्बोहाइड्रेट्स. जैसे CH2OH, बहुत सारे पॉली, मतलब बहुत सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप, CHOH और CHO, ये कार्बोहाइड्रेट है. तीन हाइड्रोक्सी ग्रुप है और एक एल्डिहाइड है. सेकंड एग्जांपल CH2OH, C डबल बॉन्ड O, CH2OH, तो मतलब क्या कार्बन हो चुके, एक्चुअली दे आर पॉलीमर्स. दिस इज कार्बोहाइड्रेट. सो व्हाट इज सेकंड डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट गिवन? कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स, दे आर नोन एज कार्बोहाइड्रेट्स. ओके, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो स्वीट होते हैं टेस्ट में. अपन शक्कर खाते हैं, शुगर खाते हैं, सुक्रोज, ग्लूकोज, दे आर कार्बोहाइड्रेट एंड दे आर स्वीट इन टेस्ट. लेकिन कुछ कार्बोहाइड्रेट स्वीट नहीं होते, जैसे स्टार्च है ना. कुछ कार्बोहाइड्रेट्स पानी में डिजोल्व हो जाते हैं. ग्लूकोज हाईली सोल्युबल, सुक्रोज हाईली सोल्युबल इन वाटर, बट देर आर फ्यू विच आर इनसोल्युबल इन वाटर, लाइक स्टार्च, सेल्यूलोज. सेल्यूलोज मतलब प्लांट प्रोडक्ट है, थोड़ा पानी में डिजोल्व हो जाता है. तो सम आर इनसोल्युबल इन वाटर, सम आर सोल्युबल इन वाटर. ठीक है, दिस आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स. सो कार्बोहाइड्रेट्स, इनको सैकेराइड्स भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? सैकेराइड्स. शुगर से नाम पड़ा है, सैकेराइड्स, मीठे होते हैं ना टेस्ट में, इसलिए सैकेराइड्स बोलते हैं. शुगर, सैक्रम, सैक्रीन नाम सुना है? फ्रूट जूसेस हम मार्केट में पीने जाते हैं तो एसेंस डालते हैं कई बार. फ्रूट होता नहीं, फ्रूट का एसेंस होगा और उसमें वो सैक्रीन डाल देते हैं उसको मीठा करने के लिए. तो सैक्रीन इज आर्टिफिशियल शुगर. वो नाम कहाँ से आया? कार्बोहाइड्रेट्स जो स्वीट होते हैं टेस्ट में उसको क्या बोलते हैं? सैकेराइड्स. तो तीन नाम हुए, तीन डेफिनेशन हुए कार्बोहाइड्रेट्स के. दे आर कॉल्ड सैकेराइड्स, दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स, एंड दे आर ऑल्सो नोन एज हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन. एक भी डेफिनेशन गलत है ऐसा नहीं है, बट दे मॉडिफाइड, दीज डेफिनेशन आर मॉडिफाइड टाइम टू टाइम. सो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, सैकेराइड्स एंड पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स आर नोन एज कार्बोहाइड्रेट्स. एग्जाम्पल्स ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज. आगे पूरे चैप्टर में हम यही सब नाम सुनेंगे, एग्जाम्पल्स आपको अच्छे से याद हो जाएगा. ठीक है, अब अपन पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. कैसे इनको क्लासिफाई किया है? क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, दे आर क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर ऑन हाइड्रोलिसिस. हाइड्रोलिसिस करने से इनका बिहेवियर पता लगता है, तो हाइड्रोलिसिस के बाद जो प्रोडक्ट मिलेगा उसकी बेस पे इनको क्लासिफाई किया है. जैसे दे आर क्लासिफाइड एज मोनोसैकेराइड्स, ऑलिगोसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड, डाईसैकेराइड, ट्राईसैकेराइड्स, ऐसे इनको क्लासिफाई किया है. तो किस हिसाब से बोल रहे हैं अपन डाईसैकेराइड? अगर आप शुगर है कोई, आपके पास कार्बोहाइड्रेट है, उसको पानी में डिजोल्व करो, अगर वो दो मोनोसैकेराइड देता है तो वो डाइसैकेराइड हुआ. अगर किसी कार्बोहाइड्रेट को पानी में हाइड्रोलाइज करें और वो तीन मोनोसैकेराइड देगा तो वो ट्राइसैकेराइड हुआ. तो डिपेंडिंग अपॉन मोनोसैकेराइड्स गिवन ऑन हाइड्रोलिसिस दे आर क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स. सो ऑन व्हाट बेसिस क्लासिफिकेशन इज डन? ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स.
So on the basis of hydrolysis, behavior towards hydrolysis, they are classified into three types. सबसे पहले है monosaccharides. Classification में सबसे पहले monosaccharides. इसमें glucose, fructose वो सब आता है. क्या होते हैं monosaccharides? They do not hydrolyze further into simpler unit. मतलब कार्बोहाइड्रेट्स के जो सबसे सिंपल कंपाउंड्स हैं वो मोनोसैकेराइड्स हैं. मतलब मोनोसैकेराइड्स फर्दर हाइड्रोलाइज होके छोटे कंपाउंड्स रहेगा. जैसे आपने ग्लूकोज को पानी में डिसॉल्व किया तो ग्लूकोज ही रहेगा, वो फर्दर डिवाइड नहीं होगा. सो दे आर द सिंपलेस्ट शुगर, दे डू नॉट गिव सिंपल कंपाउंड्स ऑन हाइड्रोलिसिस. व्हाट आर मोनोसैकेराइड्स? सिंपल शुगर, दे आर simple sugar, they do not give simple compounds on hydrolysis. Simple compounds on hydrolysis, on hydro मतलब ये hydrolyze होते ही पानी में dissolve होना और hydrolyze होना दोनों अलग अलग बातें हैं. पानी में डिसॉल्व होता है, शक्कर लिया, पानी लिया, डिसॉल्व किया, डिसॉल्यूशन. हाइड्रोलिसिस का मतलब उसको तोड़ना. शुगर को पानी में डाल के थोड़ा सा एसिड डाल दो तो वो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में डिवाइड हो जाता है. तो डिसॉल्यूशन और हाइड्रोलिसिस में फर्क होता है. तो मोनोसैकेराइड्स हाइड्रोलाइज होके सिंपल कंपाउंड देते नहीं, मतलब इनका हाइड्रोलिसिस होता ही नहीं है, सिंपलेस शुगर. इनका फर्दर डिविजन पॉसिबल नहीं है. They are known as monosaccharides. Example of monosaccharides are glucose hai, fructose hai. Ye sab monosaccharides hai. Ye sweet hote hai taste mein. Aur about 20 monosaccharides are known. Kitne? 20. 20 hai. Aur example aap likh sakte ho glucose, fructose. Sab ki formula same hoti hai. C6, H12, O6. Galactose, glucose, fructose, these are the examples of monosaccharides. Simplest sugar. Second type ke carbohydrates hain oligosaccharides. Second type ke kaun se hain? Oligosaccharides. Ye hydrolyze honge. Agar apan unko pani mein hydrolyze karenge ya pani dal ke thoda sa acid dalenge to they hydrolyze to give simplest sugar, oligosaccharides. On hydrolysis, they further classified and gave monosaccharides. They are known as oligosaccharides. So, oligosaccharides kya hote hain? On hydrolysis, they give monosaccharides. They are known as oligosaccharides. Oligosaccharides further classified into disaccharide, trisaccharide, tetrasaccharides. They are called oligosaccharides. 2 से लेके 10 तक हो सकते हैं इसमें. जैसे एग्जाम्पल देखे सुक्रोज, C12H22O11. दिस इज सुक्रोज, इट इज डाइसेकेराइड. कैसा है ये? डाइसेकेराइड है. अगर अपन इसका हाइड्रोलिसिस करें एसिड की प्रेजेंस में तो ये 2 मोनोसैकेराइड देता है, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज. C6H12O6, C6H12O6. दीज आर मोनोसैकेराइड्स. सो एज इट इज गिवन 2 मोनोसैकेराइड्स ऑन हाइड्रोलिसिस, इट इज नोन एज डाइसैकेराइड. ऐसे ट्राइसैकेराइड होगा. ट्राइसैकेराइड क्या करेगा? ट्राइसैकेराइड अगर आप इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो कितने मोनोसैकेराइड मिलेंगे आपको? 3 monosaccharides. So if 3 monosaccharides on hydrolysis we are getting, then the compound is called trisaccharide. Tetrasaccharide kisko bologe? Tetrasaccharides are the carbohydrates which on hydrolysis gives 4 monosaccharides. So they are hydrolyzed to give monosaccharides. Depending upon the number of monosaccharides, they are classified as dry, tri, tetra,
इन जनरल दे आर नोन एज ऑलिगोसैकेराइड्स. ये भी स्वीट होते हैं मोस्टली, टेस्ट में पानी में डिजोल्व हो जाते हैं और दे आर कॉमन. जनरली इनमें डाइसैकेराइड्स कॉमन होते हैं. उसके बाद आते हैं पॉलीसैकेराइड्स. ये एक्चुअली पॉलीमर्स हैं. पॉलीसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स मेनी मोनोसैकेराइड्स. थर्ड है पॉलीसैकेराइड्स. दे ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स मेनी मोनोसैकेराइड. एक्चुअली पॉली नाम ही पॉली है ना, सो दे आर पॉलीमर्स. तो अगर अपन इनका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो बहुत सारे मोनोसैकेराइड मिलेंगे. एग्जाम्पल है स्टार्च, सेल्यूलोज, C6H10O5 कोलेन, इसका नाम है स्टार्च. अगर अपन इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे पानी में एसिड की प्रेजेंस, क्या देगा ये? N नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड. N ग्लूकोज मॉलिक्यूल देता है. N मतलब बहुत सारे, 100, 200, 300, 1000. तो स्टार्च इज पॉलीसैकेराइड. अदर एग्जांपल ऑफ पॉलीसैकेराइड्स आर सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, दे ऑल आर पॉलीसैकेराइड्स. पॉलीसैकेराइड्स स्वीट में टेस्ट नहीं, टेस्ट इनका स्वीट नहीं होगा, पानी में डिजोल्व नहीं होते. स्टार्च होता है जैसे आपने पोटैटो स्टार्च देखा है, मम्मी घरे वेफर करती हो, पानी में वेफर्स पाड़े पछि नीचे पानी में व्हाइट कलर नो एक पाउडर रही है, दैट्स नॉट सोलेबल इन वाटर. सो स्टार्च हुआ, सेल्यूलोज हुआ, ग्लाइकोजन हुआ, दे आर इनसोलेबल इन वाटर. हॉट वाटर में थोड़ा बहुत डिजोल्व होता है, बट इन कोल्ड वाटर दे आर इनसोलेबल. दे आर कॉल्ड पॉलीसैकेराइड. स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, गम, दे आर नॉट स्वीट इन टेस्ट. इनको नॉन शुगर बोलते हैं. क्या बोलते हैं? नॉन शुगर, क्योंकि स्वीट नहीं है. सो ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस दे आर क्लासिफाइड एज मोनोसैकेराइड्स, ऑलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स. डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट दे गेव ऑन हाइड्रोलिसिस दे आर क्लासिफाइड. क्लियर? अब कार्बोहाइड्रेट्स को दो और तरीकों से क्लासिफिकेशन करते हैं, रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर. रिड्यूसिंग शुगर और क्या बोलते हैं? नॉन रिड्यूसिंग शुगर. एक तो हाइड्रोलिसिस पे क्लासिफिकेशन होता है और दूसरा रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग शुगर. व्हाट डू यू मीन बाय रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर? इफ दो टेस्ट आते हैं जो अल्डिहाइड और कीटोन को डिफरेंशिएट करते हैं, टॉलेंस टेस्ट और फैलिंग टेस्ट. अगर कोई शुगर टॉलेंस और फैलिंग टेस्ट पॉजिटिव देता है तो दे आर रिड्यूसिंग शुगर, और अगर वो शुगर टॉलेंस और फैलिंग टेस्ट नहीं देते हैं तो दे आर नोन एज नॉन रिड्यूसिंग शुगर. सो ऑल दोज कार्बोहाइड्रेट विच रिड्यूस फैलिंग सोल्यूशन एंड टॉलेंस सोल्यूशन दे आर कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर. शुगर That reduces tolerance and failing solution. Aldehyde ketone chapter उठा के देखिएगा. Tolerance test होता है, aldehyde लिया और उसमें tolerance reagent डाल के उसको गर्म करते हैं तो silver mirror बनता है. और failing solution में अगर आप aldehyde और उसको डाल के failing solution के साथ गर्म करते हो तो red color के पपीते मिलते हैं. तो टॉलेंस और फेलिंग सॉल्यूशन मतलब टॉलेंस और फेलिंग को अगर ये रिड्यूस कर दें कार्बोहाइड्रेट्स तो दे आर रिड्यूसिंग शुगर, और जो रिड्यूस नहीं कर पाते उसको बोलते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर. जैसे सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग होगा, सुक्रोज नहीं रिड्यूस कर पाता लेकिन ये कर पाता है, ग्लूकोज कर पाता है, तो ग्लूकोज इज रिड्यूसिंग शुगर. माल्टोज इज रिड्यूसिंग शुगर बट सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर. So according to their reaction towards tolerance and failing solution, they are further classified as reducing sugar and non-reducing sugar. So there are two ways of classification of carbohydrates. Clear? अब अपन सबसे पहले पढ़ेंगे monosaccharides.
मोनोसेकेराइड्स को एल्डोज और कीटोज भी बोलते हैं, कैसे उनका नेमिंग करते हैं देखते हैं। मोनोसेकेराइड्स, नॉमेनक्लेचर, हाउ टू गिव नेम टू मोनोसेकेराइड्स। डिपेंडिंग अपॉन द ग्रुप प्रेजेंट एल्डिहाइड और कीटोन, है ना, डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंटिंग देम, दे आर क्लासिफाइड एज अल्डोज और कीटोज। फिर कार्बन कितने हैं उस हिसाब से ओज लगा के इनको एंड करते हैं। जैसे अपन नाम लिखेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास है ये कंपाउंड, ये सारे एल्डोज होंगे क्योंकि इनमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, इधर लिखेंगे वो सारे कीटोज होंगे क्योंकि इनमें कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, जैसे CH2OH, CHOH और CHO, इसका नाम लिखना है। ये कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड, इसका नाम लिखना है। हाउ टू गिव नेम, एल्डिहाइड ग्रुप है एल्डो लिखोगे, थ्री कार्बन है ट्राई, पीछे ओज लगाना है एल्डो ट्राइओज, क्या नाम होगा एल्डो ट्राइओज। फिर अगर ऐसा है CH2OH, यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो और CH2OH कीटोन ग्रुप है तो प्रीफिक्स आएगा कीटो, तीन कार्बन है ट्राई और पीछे ओज लगाना है कीटो ट्राइओज। तो सबसे पहले अल्डो या कीटो लिखना है डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शनल ग्रुप, फिर नंबर ऑफ कार्बन एटम, अगर दो है तो बायोज, तीन कार्बन होंगे तो ट्राइओज, चार कार्बन होंगे तो टेट्राओज, पांच कार्बन होंगे तो पेंटोज, सिक्स कार्बन हुआ तो हेक्सोज, जैसे ग्लूकोज है उसमें छह कार्बन होते हैं टोटल, 1, 2, 3, 4, 5 અને 6 સી એચ ઓ આ ગ્લુકોઝ છે આ ગ્લુકોઝ નું નામ શું છે બીજું વોટ ઇઝ અધર નેમ ઓફ ગ્લુકોઝ ઇટ ઇઝ એલ્ડો હેક્સોઝ આ નામ હોગા એલ્ડો હેક્સોઝ ક્યુંકી એલ્ડિહાઇડ ગ્રુપ હે 6 કાર્બન હે ઇસલિયે એલ્ડો હેક્સોઝ ફ્રુક્ટોઝ હે ઇસકે સામને फ्रुक्टोज में कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है, होते छह कार्बन है लेकिन कीटोन ग्रुप, तो कैसे नेम करेंगे कीटो हेक्सोज। तो फ्रुक्टोज का दूसरा नाम है कीटो हेक्सोज, ग्लूकोज का दूसरा नाम है एल्डो हेक्सोज, ग्लूकोज।